अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? जुमा मुबारक हो आप सब लोगों को। जुमे का दिन है तो कुछ स्पेशल रेसिपी होनी चाहिए। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कीमे की रेसिपी, ऐसी रेसिपी जो शायद आप लोगों ने ना कभी देखी होगी ना सुनी होगी। तो चलें मेरे साथ ट्राई करें कीमे की एक नई रेसिपी। कीमे को मैंने बेक करना है अंडों के साथ और टमाटरों के साथ। बहुत मज़े की रेसिपी है और ये रेसिपी ख़ास तौर पे हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है, क्योंकि इसमें हमने घी या ऑयल का यूज़ बहुत कम करना है, जस्ट 1 टेबलस्पून करना है। कीमा अपने पानी में ही कुक हो जाएगा और ये बहुत एक हेल्दी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और अपना फीडबैक दें मुझे कमेंट्स में। अगर आप लोगों ने इस डिश को पहले ट्राई किया हुआ है तो इसका नाम सजेस्ट करें और कमेंट करें, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलें देखते हैं इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है 1 किलो बीफ का कीमा और लिया है 1 बड़ा प्याज चॉप किया हुआ, बहुत बारीक चॉप करना है। 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मीट टेंडराइज़र गोश्त गलाने का पाउडर और 2 से 3 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। कीमे को हमने मैरिनेट करके इन तमाम मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जिस तरह चपली कबाब के मसाले को मिक्स किया जाता है या कबाब के मसाले को मिक्स किया जाता है, ताकि ये तमाम मसालों का फ्लेवर्स इस कीमे के अंदर बहुत अच्छे से आ जाए। और मैरिनेट करने के बाद हम इसे 2 घंटे तक रेफ्रिजरेट कर देंगे और उसके बाद हम इसे बेक करेंगे। तो ये मैंने तमाम मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब करनी है हमने इसकी मिक्सिंग, बहुत अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और अब इसे मैंने रेफ्रिजरेट कर देना है। तो व्यूअर्स, कीमा हमारा रेफ्रिजरेट हो चुका है 2 घंटे के बाद। अब मैं इसे बेक करने के लिए बेकिंग ट्रे में लगाऊंगी। तो बेकिंग ट्रे को मैंने करना है कुकिंग ऑयल से ग्रीस और बस इतना ही कुकिंग ऑयल इस कीमे में यूज़ होगा। तो ये आपके सामने 1 या 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल यूज़ हुआ है, ताकि बेक करते हुए कीमा नीचे से इसके साथ चिपके नहीं। तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, हार्ट पेशेंट्स भी इसे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं बहुत कम चिकनाई हार्ट पेशेंट्स के लिए, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत मुफीद रेसिपी है। अब कीमे को हमने इसमें डाल के अच्छे से फैला लेना है, प्रेस कर लें इसे बहुत अच्छे से और इस कीमे ने अपने पानी के अंदर ही इसमें कुक होना है। इसमें ना हमने दही यूज़ करना है ना पानी यूज़ करना है। अब करनी है कीमे की गार्निशिंग। तो इसकी साइड पे मैं लगा रही हूँ टमाटर और इन टमाटरों को बहुत अच्छे से डीपली इसमें प्रेस कर देना है, क्योंकि जब कीमा कुक होगा तो ये टमाटर अपनी जगह छोड़ देंगे, इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से प्रेस करना है और प्रेस करने से ये इसके साथ ही कुक हो जाएंगे। इसके साथ अब इसमें मैं लगा रही हूँ सब्ज़ मिर्चें कट। तो स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं, हम लोग चूँकि स्पाइसी खाते हैं इसलिए मैं ज़्यादा स्पाइसेस इसमें यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन चिलीज़ ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन चिलीज़ वैसे भी फैट बर्नर्स होती हैं तो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, इनका नुकसान नहीं है। तो रेड चिलीज़ के बजाय सब्ज मिर्चों का इस्तेमाल करना ज़्यादा सेहत के लिए बेहतर है। अब हम इसे करेंगे बेक। तो विदाउट ओवन में इसे बेक कर रही हूँ, इसी पतीले में मैं केक बेक करती हूँ। इस पतीले में मैंने रेत डाल के इसे प्री हीट कर लिया है 1 घंटा पहले, और अगर आप ओवन में भी कर रहे हैं तो उसे भी प्री हीट कर दें। और इसमें हमने कीमे की ट्रे रख के इसे 1 घंटा के लिए बेक करना है। सेम प्रोसेस आप ओवन में भी कर सकते हैं, ओवन को प्री हीट कर लें और इसमें अपनी डिश को बेक कर लें। तो व्यूअर्स, कीमा बेक हो चुका है, इसे मैंने पतीले में से निकाल लिया है और इसका पानी खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसकी थोड़ी सी और गार्निशिंग करेंगे। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 अंडा और इस अंडे ने इसी हीट में कुक हो जाना है, और इसके ऊपर थोड़ी सी मैं स्प्रेड कर रही हूँ क्रश्ड पेपर्स, ताकि ये बहुत खूबसूरत लगे।
अब इसे कवर करके हम रख देंगे। 5 से 10 मिनट तक ये डिश हमारी रेडी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, कीमा रेडी हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करूंगी, काली मिर्च, और इसे हम करेंगे डिश आउट। तो व्यूअर्स देखें, बहुत अच्छे से बेक हो चुका है और टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं और अपनी जगह पे कायम हैं। इसे हम निकालते हैं अपनी डिश में। तो बहुत ही मज़े की और इजी रेसिपी है और हेल्दी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।